ये क्या चीज है? ये मुझे लगता है बहुत बड़ा सांप है, मुझे इसे मारना होगा। ओह नो, मर जा। लगता है ये मर चुका है। अरे ये है, मैं तो ऐसे ही पागल बन चुका हूँ अब। ये पहाड़ी फिर से कहाँ आ गई? पहले भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ और खाना भी नहीं खाया, कहाँ जाऊँ अब? मुझे जाट बनना होगा अब, यहाँ पर चढ़ने के लिए बनना होगा क्योंकि बहुत ऊंचाई है। एक दो तीन कहाँ से खाना ढूंढू? कब तक ठोकरें खाता रहूंगा? अब मुझे रातों रात अमीर होना होगा और किसी को चूना लगाना होगा। क्या खाऊं? अरे गन्ने, आज गन्ने खाकर गुजारा करना होगा। अरे यहाँ पर नीचे खाई है, यहाँ से कैसे उतरूंगा? अब ये रस्सी मेरे पास आ गई है, इसकी मदद से नीचे उतरूंगा। इसको दबा दूंगा फिर यहाँ से नीचे उतरूंगा, बहुत मिट्टी डाल दूंगा। ये रस्सी ऊपर से मजबूत है, अब नीचे उतरना होगा। जैसे कैसे उतर गया हूँ, अब गन्ना खाता हूँ। ये गन्ने तो बहुत मीठे हैं। अब ये फसल भी मेरी हुई, अमीर होने का यही तरीका है। अब इस फसल को बेचता हूँ। अरे ये कौन है? मेरे गन्ने ये खाकर जाता है, आज इसे मजा चखाता हूँ। शायद फसल का मालिक यही है, गन्ना भी ये खा रहा है। अरे तू कौन है? रोज मेरे गन्ने तू खा कर जाता है। मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तो जमीने लेता हूँ। अच्छा, जिस मालिक की ये फसल है वो इसे बेचना जा रहा था और ये खरीदने के लिए आया है, अब मैं इसे चूना लगाकर इसे बेच डालता हूँ। जी भाई, हमने इस फसल को बेचना है और इसके 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। नहीं बेनी, 1 लाख दूंगा, 1 लाख लाख दूंगा, 1 लाख, उससे आगे नहीं दूंगा। अच्छा इसे बेच डालता हूँ, 1 लाख भी बहुत है। कौन सा ये मेरी फसल है? ये लो भाई आपके 1 लाख रुपए, जमीन मेरी हो गई। आज से ये फसल तुम्हारी हुई। भाई आज के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बाय। अब तो मैं अपनी फसल को कटाई पे लगानी होगी, रेट भी बहुत अच्छा है। ये कौन खड़ा है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? फसल भी मेरी है, मैं खड़ा हूँगा यहाँ, और कौन होगा? भाई ये कौन है? तू चुप करके कर, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। तूने किससे फसल खरीदी है ये? Oh, no! शायद मुझे लगता है कि उसको बड़ा भाई तुम्हारे भाई से रिमझिम से खरीदी है। यार मेरा कोई भाई रिमझिम नहीं है, किस रिमझिम की बात कर रहे हो? वो तुम्हें चूना लगा कर क्या है? नहीं भाई ये मेरी फसल है। वो तुझे चूना लगा कर क्या है? वो मुझे रिमझिम मुझे चूना लगा कर चला गया। ओ